अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताऊंगी, उनकी डिटेल्स बताऊंगी और आपने उन्हें कैसे करना है उनके बारे में ओवरव्यू दूंगी। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स जाननी होंगी तो फ्यूचर में भी इस तरह की मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। फिलहाल जो मैंने रेसिपी चूज़ की है वो है चिकन मलाई टिक्का मसाला, और ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसलिए मैंने यही रेसिपी रिपीट कर ली है, ताकि इस रेसिपी की इंस्ट्रक्शंस पे टाइम ज़ाया करने के बजाय मैं आपसे बात कर लूँ और फिर भी मैं सारे इन्ग्रीडियंट्स और क्वान्टिटी और रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जी वीडियो को एंड तक देखें, आपकी मर्जी का, हो सकता है कोई ऐसा काम हो कि जो आप भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूंगी यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के बारे में तो ऑब्वियसली जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है यूट्यूब से होती है अर्निंग, और इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें एक तो आप वीडियोज बनाते हैं और एड्स के थ्रू अर्निंग होती है, दूसरा ये कि आप स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, ब्रांड्स या तो आपको पे करते हैं या आपको फ्री प्रोडक्ट्स अपनी देते हैं और आप प्रमोट करते हैं। तो ये है कि एक ये तरीका होता है, और तीसरा तरीका ये है कि आप एफिलिएट लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, और जो लोग वहाँ से प्रोडक्ट्स लिंक के थ्रू क्लिक करके लेते हैं आपको प्रॉफिट होता है। तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये जो मैं डिफरेंट अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बताऊँगी, और इनफैक्ट इस पूरी वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको पता है मैं स्पॉन्सरशिप्स नहीं करती हूँ, और ये मैं मेंशन इसलिए करना चाहती हूँ कि स्पॉन्सरशिप भी बुरी चीज़ नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है। बट ज़्यादातर लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्पॉन्सरशिप करते हैं वो सही ओपिनियन नहीं देते, वो पैसे लेके तो अच्छा ही ओपिनियन देते हैं, इसलिए मैं ये मेंशन कर देती हूँ ताकि आप रिलैक्स होकर वीडियो को देख सकें कि इसमें कुछ भी पैसे लेके इसने काम नहीं किया, वह जस्ट अपनी जो नॉलेज है या अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो YouTube जो है वो इस पर ये तरीका होता है। अब YouTube के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दे दूँ। बैड न्यूज़ तो ये है कि आजकल कंपटीशन इतना हो गया, तो आप चैनल बनाएंगे तो जस्ट कीप इन माइंड कि इट माइट टेक यू 1 to 2 years टू गेट टू अ लेवल वे यू स्टार्ट टू गेट पेड। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी है, काम करते रहना है, मेहनत करते रहनी है। लेकिन जिस वक्त आप पे होना शुरू हो जाते हैं, शुरू में इनकम स्लो होती है लेकिन इट सेल्फ एक मोटिवेशन होती है कि मेरी जो है वो अब इनकम स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब आगे गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि जितनी आप उस पर मेहनत करते जाते हैं, ये सिर्फ बातें हैं कि $1 per 1000 views होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा भी एट टाइम्स बनने शुरू हो जाते हैं। हर बार नहीं बट बहुत सी बार, डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी अच्छी हो रही है। जो ये नहीं कि सिर्फ वायरल हो तो आपको अच्छी पेमेंट मिलती है, वीडियो के व्यूज़ अच्छे हों तो भी उसकी आपको अच्छी इनकम मिलती है। सो येस, यूट्यूब के ऊपर अगर आपने मेहनत कर ली है और आपका चैनल किसी मुकाम पर पहुँच गया है, तो आप उससे पूरी पूरी अपनी 10-10 बंदों की फैमिली को भी रन कर सकते हैं वेरी इजीली। सो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यूट्यूब को ये समझ के छोड़ ना दें कि इससे कौन सा घर संभाले जाते हैं, इससे थोड़ी बहुत इनकम आएगी। नहीं, यूट्यूब पूरा पूरा आपका एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है, एंड समटाइम्स इतना बेटर बन जाता है कि आप सोचते हैं कि आपको घर से बाहर निकलने की जॉब नहीं करनी चाहिए। जो होता है ना, मदर्स टीचर की जॉब करती है, कोई डिग्री होती है इसके अकॉर्डिंगली जॉब करती हैं, तो हो सकता है कि आप वो कल को वो जॉब ही छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि मैं घर बैठ के तो YouTube पे ही काम करूंगी। तो ये चीज़ है, ठीक है जी। तो अब आते हैं YouTube का चैनल कैसे बनाना है, क्या काम करना है, किस तरह से आप उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। तो वो डिटेल में वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि YouTube भरी पड़ी है उस काम से, और आप जो है वो उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में जो भी चाहेंगे आप वीडियोस निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं और चैनल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो यूज़लेस किस्म की डिटेल्स हो जाएंगी, तो वहाँ से आप सारा प्रोसेस देख सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ, और सेकंड जो सोर्स है इसको अब मैंने छोड़ दिया हुआ है क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है और यूट्यूब मेरा मेन फोकस है इस वजह से। और समझ गए होंगे आप upwork.com की बात कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अपवर्क जो है ना, बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि ऑनलाइन जॉब्स की एक वेबसाइट है, और आप वहाँ पर जाके जैसे फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आप अपना अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह आपने जाके अपवर्क पर अपना अकाउंट बनाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, जो जो स्टेप्स वो पूछते जाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस आप बताते चले जाएंगे, और उसके बाद आपको वो आपका एक अकाउंट रिव्यू में डाल देंगे और फिर वो अप्रूव करेंगे। तो आप उस पर क्या करेंगे कि मेन पेज पे फिर आप चले जाते हैं और वहां पे आप डिफरेंट अपनी मर्जी की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं।
ठीक है, जैसे वहाँ पे सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फेसबुक पे आपने किसी को मैसेंजर पे जाके मैसेज करना है तो पहले आप मैसेंजर पे जाएंगे उसकी या उसकी प्रोफाइल पे जाके तो सेंड मैसेज को क्लिक करें, जो भी स्टेप्स होते हैं आपको उसी तरह वहाँ पे भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है। तो आप डिफरेंट जॉब से अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको अगर कहीं से कॉल आ जाती है तो फिर आप वहाँ पे जॉब करते हैं। अब कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, कुछ कॉल्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर मतलब जॉब्स ऐसी होती हैं जिसपे आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं, और टेलीफोनिक भी पेमेंट वाला नहीं होता कि आपको नॉर्मल कॉल्स करनी है, अपने नंबर शेयर करने हैं, उसके अंदर ही ऑप्शन होता है, वहीं से आप कॉल कर सकते हैं, वहीं से आप चैट पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। अब ये अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपवर्क पे कैसे काम करना है, वो मैंने बहुत पहले 3-4 साल पहले पूरे स्टेप्स के साथ बनाई थी वीडियोस, लेकिन मैं वो आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। ऑल दो ऑब्वियसली मेरे तो व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे उन वीडियोस के ऊपर, बट आई वुड नॉट रिकमेंड वॉचिंग दोज वीडियोज़ क्योंकि वो इतनी पुरानी हो गई हुई हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको हेल्प होगी। तो आप अपवर्क के ट्यूटोरियल जो लेटेस्ट बने हुए हैं यूट्यूब पर सर्च करें और उनको फॉलो करके तो आप प्रोफाइल भी बना लें और आप उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। जस्ट एक मैं आपको उसके लिए टिप देना चाहूंगी और वो टिप ये है कि जब आप जॉब्स पे अप्लाई करेंगे, लेट्स से किसी जॉब के $25 हैं तो लोग बिड करते हैं, वहां पे क्या होता है कि आप अप्लाई करके आप अपना रेट बताते हैं कि आप किस रेट पे वही सेम काम करके देंगे। अब आपको दूसरों के रेट्स नजर नहीं आ रहे होंगे कि लोग आपको क्या रेट दे रहे हैं, बट आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर कि उस पर एवरेज रेट नजर आ जाता है। लेट्स से 20 लोगों ने अप्लाई किया तो एवरेज रेट है कि $20 में लोग काम करके देंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लिखें कि मैं 17 में कर दूंगी, मैं 16 में कर दूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था, अपवर्क पे भी ऐसे ही होता है, हर चीज का स्टार्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लिए इजी बनता चला जाता है। शुरू में महीना महीना दो दो महीना जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो मैंने अपने थ्रू ट्रायल एंड एरर यही सीखा कि बहुत बिडिंग में कम प्राइस रखूं। इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर $25 की जॉब है और मैं अगर अप्लाई करती, फर्स्ट टाइम अप्लाई करना होता तो मैं लिटरली $10 या $12 रख देती और उसमें मैं अपनी जो एप्लीकेशन में लिखती जॉब अप्लाई करने के लिए उसमें मैं मेंशन कर देती कि मैंने रेट इतना कम इसलिए नहीं रखा कि मैं कंपेटिटिव नहीं हूँ, मैंने रेट कम इस वजह से रखा है क्योंकि मैं न्यू भी हूँ और मुझे यहाँ पे जो है वो वर्क करना है, तो इसलिए मैं अपनी सर्विसेज लेस प्राइस में ऑफर कर रही हूँ। तो इस तरह करके बहुत से लोग हैं जो आपको फिर चांस दे देते हैं। आपकी स्किल्स आपने पूरी प्रोफाइल बनाई होती है, उन्होंने स्किल्स आपकी देखी होती है कि आपके पास क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या आपकी जो है वो डिग्री है। तो यहाँ पे ये मेंशन कर दूँ कि जिन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है या जिनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, इंग्लिश वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो आनी चाहिए तो ही अपवर्क पे काम हो पाएगा, तो अगर वो चीज़ नहीं आती है तो फिर ये अनफॉर्चुनेटली ये जॉब आपके लिए नहीं है। तो बट लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि हम एजुकेटेड नहीं हैं या हमारे पास कोई इल्म नहीं है तो हम किस तरह से घर बैठ के कमाएं, तो मेरे पास बहुत सारे आप सबके लिए भी आइडियाज़ हैं। एजुकेशन होना ना होना आजकल के ज़माने में कमाई के मामले में रुकावट नहीं बनता है। सो बेफिक्र हो जाएं, आपके लिए भी मैं अपने आइडियाज जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरा मैं क्लियरली बता दूंगी कि कौन सी जॉब के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, सो आप खुद डिसाइड कर लें कि आप वो कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया जी अपवर्क सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। अब आते हैं थर्ड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ। इससे पहले कि हम थर्ड सोर्स की तरफ मूव करें, मैं अपवर्क के बारे में आपको ये बता दूं, बल्कि मेरा हर सोर्स ऑफ इनकम जो है, अगर आप इस पे प्रॉपर डेडिकेशन डिवोशन से काम करेंगे तो आप इस पे बैठ के घर बैठ के इतनी इनकम कर सकेंगे कि आपको बाहर जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपवर्क भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको पेनीज मिलेंगे, कुछ पैसे यहाँ से इकट्ठे करें कुछ वहाँ से इकट्ठे करें, इसके ऊपर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। एक रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में जॉब जो जब आप घर से जाके करते हैं तो ये होता है कि पहले महीने से आपको सैलरी एग्जैक्ट मिलनी शुरू हो जाती है जो आपसे कमिटमेंट की गई होती है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन जॉब्स का ये होता है कि आपको वहाँ पे अपनी जगह बनानी होती है, थोड़ा सा नाम बनाना होता है, थोड़ी मेहनत करनी होती है। जो मेहनत से घबराएगा उसका नहीं कुछ बनेगा, जो मेहनत से घबराएगा नहीं और रिजल्ट का एक आस लगा के रखेगा कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मुझे अजर देंगे तो उसको इंशाल्लाह मिलेगा। तो अपवर्क जो है ना वो इतना पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम है कि मैंने 3 साल अपवर्क से इतनी कमाई की थी कि मैं बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैं सुलेमान अल हबीब में जो फार्मासिस्ट की जॉब थी ना उस पर इतना नहीं मिलता था, वहाँ पे मुझे ऑफर हो रहे थे 4,500 रियाल्स, और ये बात है आज से 5-6 साल पहले की, जब तिहामी छोटा था तो उस वक्त की बात है। लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैंने थोड़ी सी मेहनत और करनी शुरू की, जब मुझे अपनी फील्ड की जॉब मिल गई, पहले तो अपवर्क पे मैं कभी आर्टिकल्स कर रही थी, कभी मैं डेटा एंट्री कर रही थी, कभी मैं कुछ भी कर रही थी जॉब्स, लेकिन जिस वक्त मुझे अपनी
अपनी फील्ड की जॉब मिली थी तो तकरीबन मैंने 8 से 9,000 रियाल जो हैं वो घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपवर्क से अर्न करने शुरू कर दिए थे। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि कितनी प्रॉमिसिंग फ्यूचर ये आपको देता है अगर आप इस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको चीज़ें इस तरह की कुछ कुछ एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं आपको आइडियाज़ अपनी जॉब के पैसों के इसलिए भी दे रही हूँ कि जस्ट ये नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग विद यू मैं आपको बता दूँ ये भी करें वो भी करें, ये भी फ़ायदा होगा वो भी फ़ायदा होगा। आपको एक्चुअल फिगर्स के करीब करीब बताऊँ ताकि आपको पता चले, आप कैलकुलेट करें कि हाँ ये इन पैसों की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और इन पे आपको पता हो कि हाँ भाई जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो इतने पैसे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक हो ना मोटिवेशन सोर्स हो कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये मेरा मकसद है। तो मैं आपको आइडियाज़ देती जाऊँगी कि कौन से सोर्स से कितने आप कमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं जी थर्ड सोर्स की तरफ, जल्दी जल्दी मूव ऑन करते हैं। थर्ड सोर्स है फेसबुक, और फेसबुक से भी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में फेसबुक ने अर्निंग ऑन नहीं की है तो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। बट आई एम श्योर कि VPN और इस तरह की चीज़ें ऑन करके ना वो अब आपको YouTube पे ढूंढना पड़ेगा कि Facebook पे पाकिस्तान में रह के आप कैसे कमा सकते हैं। बेसिकली Facebook पे आप पेज बनाते हैं और उसके ऊपर जो भी आप वीडियोस अपलोड करते हैं आपको उसकी पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि इसकी पेमेंट भी इतनी अच्छी होगी और ये भी एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। मैंने सिर्फ इसलिए अपलोड करनी शुरू की थी सारी YouTube की वीडियोज़ Facebook पे, क्योंकि मेरा कॉन्टेंट जो है ना वो चोरी हो रहा था और YouTube से चोरी होकर Facebook पे अपलोड कर रहे थे लोग, क्योंकि जब चैनल ज़रा थोड़ा फेमस हो जाता है तो फिर इस तरह काम करते हैं। तो मैंने अपने कंटेंट को अपनी कस्टडी में रखने के लिए फेसबुक पे पेज बनाया था और उसके ऊपर मैंने जो है वो आप सबको बताया कि भी अब तो मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया कि जो भी क्राइटेरिया था वो बहुत, YouTube का तो सब जानते हैं कि उसके ऊपर आपको एक साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते हैं, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख मिनट एक साल के चाहिए होते हैं व्यू हुए हुए और साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स। तो Facebook का क्राइटेरिया बहुत डिफ़िकल्ट है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीच है, लेकिन जिनके नोन पेजेस हैं ना, जो जिनको मीडिया में लोग जानते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे मतलब काफ़ी व्यूअरशिप बन गई है, तो इस वजह से हमारे लिए ईजी हो जाता है। जो कि बिल्कुल न्यू भी होगा उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्राइटेरिया फेसबुक का ये है कि जी आपको लास्ट 60 डेज में, जब से भी आप स्टार्ट करते हैं, आपको विद इन 60 डेज 6 लाख मिनट्स चाहिए होते हैं और साथ में आपको 10,000 फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। तो ये क्राइटेरिया है जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 2 महीनों में 6 लाख व्यूज इकट्ठे करना। तो अब उसके लिए फिर तरीका ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ काम नहीं करती। आपको एक और हाँ यूट्यूब की टिप भी दे दूँ कि आप लोग जो बाकी यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमें प्रमोट कर दें, यूट्यूबर्स को पैसे देने की बजाय यूट्यूब का अपना भी एड कैंपेन सिस्टम होता है। यूट्यूब पे आप सर्च करें कि अपने चैनल को आपने कैसे प्रमोट करना है, तो आप वही पेमेंट उससे 100 times कम पेमेंट जो है वो आप यूट्यूब का करके तो आपके वीडियो के एड्स यूट्यूब के ऊपर ही डिफरेंट वीडियोज़ में आएंगे और लोगों को अच्छी लगे आपकी वीडियो तो लोग उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप अपने YouTube चैनल को YouTube के थ्रू ही प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने उस तरह से कभी करके नहीं देखा क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी थी। माशाल्लाह से मेरे सारे चैनल्स दोनों ही बड़ी जल्दी जो है वो लाइमलाइट में आ गए थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ Facebook के लिए मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि शुरू में सब लोगों ने बहुत शौक से मेरे पेज को देखा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं लेज़ी हो गई तो लोग भी ज़ाहिर है देखने बन गए क्योंकि ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने Facebook पे पेड एड कैंपेन्स की थी कि उसमें आप पे कर देते हैं 70 रियाल्स या 80 रियाल्स और 5 डेज तक आपके एड्स जगह जगह पेजेस के डिफरेंट पेजेस के रिकमेंडेशन में आते हैं तो लोगों को अच्छा लगे पेज तो लोग ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से क्राइटेरिया उस पर मीट करने का यही एक ऑप्शन है या फिर ये कि आपके बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप हो। तो चलें जी अब आ जाते हैं जल्दी से अमेज़ॉन की तरफ। अमेज़ॉन जो है ना उससे आप अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने 4 डिस्कस किए हैं YouTube, Facebook और अपवर्क और Amazon अब जो हम करने लगे हैं। ठीक है, तो सिर्फ Facebook है जो मेन सोर्स नहीं बन सकता है क्योंकि उसको क्राइटेरिया मीट करना मुश्किल है, तो आपके पास इतना टाइम तो ऑब्वियसली अभी नहीं है कि आप इतना करें। तो
अमेजोन की तरफ आते हैं। अमेजोन लेकिन वो ऑप्शन है कि वो फ्री नहीं है, आपको एक तो प्रोडक्ट्स लेनी पड़ती हैं, दूसरी बात आपको उनको सेल करना है, ठीक है। तो अमेजोन के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो है जी अमेजोन सेलर सेंट्रल। वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आपने अपना नया अकाउंट क्रिएट करना है, फिर वो जिस भी कंट्री में अमेजोन है आपसे उस कंट्री का आईडी कार्ड लेंगे, आपसे बैंक अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए, आपका एटीएम या मतलब डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। सबसे अच्छी बात अमेजोन की ये होती है कि सारा कुछ गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है, सो ऐसा नहीं है कि जस्ट आप कुछ भी जाके उधर सेल करें और अमेजोन आपको पे करें, नहीं, आपका इसमें से टैक्स कटेगा और गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अमेजोन के लिए आपको यूएई में रहते हुए या सऊदी अरब में रहते हुए अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपना टैक्स नंबर भी ऐड नहीं करना, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी है तो आपको अपना कंट्री का टैक्स नंबर भी ऐड करना होता है, तो यानी कि इतना ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए आप यहाँ पे यूएई में रहते हुए इजीली अमेजोन को एक्सेस कर सकते हैं, वो वैसे ही आपके आईडी वगैरह हर इन्फॉर्मेशन लेके गवर्नमेंट के साथ रख देते हैं, तो इसलिए कुछ भी इलीगल नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि यूट्यूब जो है वो वीडियोज़ बनाना लीगल है या नहीं, तो देखिए मैं नहीं बता सकती कि लीगल है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर कभी हमें किसी ने, पुलिस ने या किसी ने भी रोका कि भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, जबकि कोई भी नहीं रोकता, टूरिज्म वाला कंट्री है तो यहाँ पे कोई नहीं रोकता। तो शहजाद ने जब अपना बिजनेस लाइसेंस लिया है तो उसमें हमने लाइसेंस में तीन कैटेगरीज रखवाई हैं, जिसमें से एक मेन शहजाद की है और बाकी दो हमारी अपनी मर्जी की हैं कमिटमेंट के साथ, जिसमें से एक कैटेगरी है वीडियोग्राफी, तो उसमें ये यूट्यूब और फेसबुक वगैरह आ जाती हैं। तो इसलिए हमने फिर भी सेफ साइड पे रह लिया था, क्योंकि हम नए थे इस कंट्री में तो हमें नहीं पता था, तो हमने सोचा कि इशू अपने लिए क्रिएट करने से बेहतर है कि लाइसेंस बन रहा है तो उसको रजिस्टर करवा देते हैं। तो बाकी हाँ, किसी के पास इंफॉर्मेशन हो कि लीगली अलाउड है या नहीं इसके थ्रू अर्निंग करना तो जरूर बताएं। मेरा ओपिनियन है कि में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो आपको पेमेंट आती है वो बिल्कुल वाइट मनी आ रही है, आपको गूगल के नाम से पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है गूगल एडसेंस की, और गवर्नमेंट के थ्रू ही जाहिर आ रही है, बैंक के थ्रू आ रही है। तो इससे मो व्लॉग्स और ये वो इतने इतने बड़े व्लॉगर्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं यूएई में, सो इसलिए कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अमेजोन में जब एक बार आप बना लेते हैं अकाउंट तो आप उसमें आइटम्स ऐड करते हैं, और फिर वो जो है जब कोई आइटम बाई करता है तो फिर आप उसको या तो खुद कोरियर करते हैं जाके, या फिर अमेजोन ऑप्शन देता है कि आप अमेजोन के वो अपना एड्रेस आपको देंगे, आप वेयर हाउस में भिजवा दें, कोरियर करवा दें और वो खुद ही पैक करके भेजते रहेंगे, तो फिर अपनी फ़ी काटेंगे। अब ये होता है कि अमेजोन में जो है ना वो आपको जो प्रोडक्ट्स परचेज करने का मेन है कि वो कहाँ से करेंगे, तो मैं अपना आपको बता देती हूँ कि मैं alibaba.com पे लेती हूँ, इससे चीज़ें लेती हूँ। मैं सेल करती हूँ हिजाब कैप्स, और फिर जो होते हैं शू लेसेस लाइट्स वाले वो, और उसके अलावा जो है वो किचन जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, डिश ड्राइंग रैक्स, सॉरी मैट्स, वो मैं सेल करती हूँ। और यहाँ पे भी अब दोबारा शुरू करूँगी तो आपको सब मैं साथ लेके चलूँगी, सब दिखाऊँगी। अच्छा जी, तो उसमें मैं जो मंगवाती थी, मैं alibaba.com से चाइना से मंगवाती हूँ, आप AliExpress से भी मंगवा लेते हैं सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस बता दूँ, वही चीज़ें जो अलीबाबा पे मिलती हैं सेम AliExpress में मिलती हैं, लेकिन अलीबाबा पे आपको बल्क में लेनी होती हैं तभी आपको प्रॉफिटेबल होती हैं वो चीज़ें। और फिर जबकि AliExpress पे वही वाले सारे वेंडर्स होते हैं, वो सिंगल सिंगल भी उस आइटम को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें प्राइस का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिजाब है आप ले रहे हैं वहाँ पे $1 का, ठीक है, अलीबाबा पे $1 का एक हिजाब है, लेकिन आपको मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी वहाँ MOQ लिखा होता है कि उससे कम आप नहीं ले सकते, ठीक है, तो वो हो सकता है कि 500 हो, तो आपको 500 लेने हैं, $1 का हिजाब है तो आपने $500 स्पेंड करने हैं एटलीस्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप AliExpress पे जाते हैं तो आपको उसी तरह का हिजाब मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो $2.50 का हो, $3 का हो, क्योंकि वो आप सिंगल मंगवा रहे हैं, तो बस ये डिफरेंस है, वेंडर्स ऑलमोस्ट सेम है उस पर। तो वहां से मैं मंगवाती हूँ क्वान्टिटी बल्क में, और फिर उसमें ये होता है कि जब वो क्वांटिटी एक लिमिट होती है, वो आपको आपके कंट्री की चेक करनी पड़ेगी कि आप बाहर से कितने केजी मैक्सिमम सामान मंगवा सकते हैं, और जब वो सामान आता है तो फिर आप उसकी ड्यूटी पे करते हैं। मैंने सऊदी अरब में मंगवाया था वही सामान लेके मैं यहाँ आई हूँ, तो अभी यूएई में मुझे नहीं पता कितनी ड्यूटी पे करूँगी जब मैं मंगवाऊँगी, लेकिन यह है कि वहाँ पर मुझे तकरीबन जो है ना वो $500-600 तो जो है ना सिर्फ मुझे ड्यूटी पे करनी पड़ी थी वो सामान मंगवाने की कंट्री के अंदर
सेंटर हो। तो ये है कि देखने में सुनने में लगेगा बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने भी कहीं से नहीं सीखा, सिर्फ यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियो ढूंढ ढूंढ के लर्न करती गई, फिर उनकी अमेजोन के अपने जो है वो यूज़फुल आर्टिकल और वीडियोज़ होते हैं उनके अपने पेज पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ सेलर सेंट्रल के अंदर मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। सो अब आपको जो लिंक मिलेंगे, एक मिलेगा अपवर्क का और एक मिलेगा अमेजोन का। और उसके बाद एक और मेरा सोर्स ऑफ इनकम था जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था और उसको मैं यूज़ नहीं करती, एक से दो बार मैंने ट्राई किया था और फिर छोड़ दिया था, लेकिन अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएं तो उसमें भी लोगों ने करियर्स बनाए हुए हैं अमेजोन पे, जिस तरह बनाए हुए हैं, ठीक है। अमेजोन की भी, बल्कि थोड़ा सा रैंडम हो रही है इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं देना सब इन्फॉर्मेशन चाह रही हूँ कंप्लीट आपको, जो जो याद आ रहा है साथ साथ बता रही हूँ। अमेजोन पे पेमेंट का इस तरह से बता दूँ कि फॉर एग्जांपल आपने 1,000 दिरहम की चीज़ें ली है ना, तो आपके पास इतना मार्जिन होता है कि आप उसको 4 से 5 हज़ार का अमेजोन पे सेल करते हैं, ठीक है। तो अमेजोन इतना प्रॉफिटेबल है। अब लेकिन अमेजोन के लिए टिप्स क्या है कि पहले सर्च करें जो आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं वो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो फिर आपकी नहीं बिकेगी क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने अपनी जगह बनाई हुई। तो ऐसी आइटम ढूंढें जो डिमांड में भी है लेकिन ज्यादा उस कंट्री में नहीं मिल रही है अमेजोन के ऊपर, वो प्रोडक्ट लेके आए और फिर उस प्रोडक्ट की अच्छी रीजनेबल प्रॉफिट लें। ये नहीं है कि अगर आपने हिजाब की एग्जांपल लें कि मैंने वहां से $1 का 1 हिजाब लिया तो यहाँ पे मैं उसको $20 का बेच रही हूँ, मैक्सिमम मैं 2 या 3 का बेचूंगी, लोगों को यही लगे कि यार देखो अली एक्सप्रेस पे ये $3 का मिल रहा है, तो यहाँ पे भी अमेजोन पे भी $3 का ही है, लेकिन ये तो मुझे 2 दिनों में मिल जाएगा, तो चलो मैं वहां पे ड्यूटी क्यों पे करूँ अली एक्सप्रेस पे। तो ये इतने थोड़े से पॉइंट्स आप जेहन में रखें, रीजनेबल प्रॉफिट लें तो वो उसमें आप माशाल्लाह $1 का $4 से $5 भी बना सकते हैं इजीली, तो बहुत ही प्रॉफिटेबल अमेजोन। अच्छा जी, उसके बाद जो मेरा बिजनेस फेल हुआ था वो था जी ईबे। ईबे पे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, ईबे पे सिर्फ ये होता है कि आप अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद आप अली एक्सप्रेस की चीज़ें बगैर उनसे खरीदे, ठीक है, उन चीज़ों को आप ईबे पे लिस्टिंग उनकी कर देते हैं और फिर ईबे पे कोई भी आपसे वो चीज़ खरीदेगा तो आप जाके अली एक्सप्रेस पे एड्रेस जो है ना, आपने जिसने आपसे खरीदा ना, आप उसका एड्रेस लिख देंगे और पे कर देंगे अली एक्सप्रेस, तो अली एक्सप्रेस वाले डायरेक्ट वहां पे भेज देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने मेरे से एक चीज़ ली $1 की, इसी हिजाब की एग्जांपल ले लें, आपको ईबे पे अच्छा हिजाब नजर आया आपने, मैंने तो $1 का खरीदा हुआ है लेकिन मैंने वहां पे लिखा हुआ है $6 का ईबे पे, आप देख के कह रहे हो ये तो रीजनेबल प्राइस है $6, मैंने 6 का नहीं देखा, चलो मैं इससे ले लेती हूँ, आप मेरे से बाय करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जी आपको 6 डेज 20 डेज लगेंगे, ये टाइम लगेगा तो आपको ये प्रोडक्ट आपकी मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगी कि मैं अली एक्सप्रेस ऐप पे या उनकी वेबसाइट पे जाऊंगी, वही जो हिजाब है वो $3 का था तो मैं वहां पे $3 का पे करूंगी, ठीक है, तो वो एड्रेस मैं आपका लिख दूंगी, अब आपको वो मिलेगा, आपने तो $6 का खरीदा, मेरे अकाउंट में 6 आए, वहां पे मैंने पे किए 3, तो मुझे सीधा सीधा $3 मिल गए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसमें ज्यादा इशू ये होता है कि अली एक्सप्रेस पे वेंडर्स बहुत ही थके हुए हैं, उनका दिल करे तो वो कोरियर कर देते हैं, दिल करे तो कोरियर नहीं करते, दिल करे तो प्राइस बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो एक से दो बार मैंने किया और इतनी उसमें मेंटल ख्वारी हुई है ना कि मैंने उसके बाद उसको छोड़ दिया कि वो मैंने नहीं करना, ठीक है। तो ये थे मेरे 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। 6 जो है वो उसको उसको मैं पहले मैंने सोचा था कि मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन वो मुझे शहजाद ने रोक दिया, वो मेरा और शहजाद का इकट्ठा काम है, और ये नहीं है कि हम नज़र वगैरह से बिल्कुल नहीं डरते, ऐसी बात हो तो मैं कोई अब बात ही ना करूँ, मैं बिज़नेस का बताऊँ ही कुछ ना और कितनी इनकम होती है आइडिया भी ना दूँ, लेकिन ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है कि वो मैंने और शहजाद ने जैसे एक छोटे से बेबी को लेके पाला जाता है ना, वो इस तरह से हम उस काम को लेके चल रहे हैं और वो सिर्फ एक हमारी चीज़ है, ठीक है। तो वो उसको मुझे शहजाद ने बताने से मना कर दिया, लिए आप भी फैमिली हैं, मैं तो शेयर करने वाली थी लेकिन अगर वो ना रोकते तो मैंने आपसे जरूर शेयर करना था क्योंकि उसमें भी फायदा ही होना था, लेकिन उसके लिए मतलब क्या कह सकते हैं, मेंटल कैलिबर बहुत हाई लेवल का चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि हम बड़े कोई अक्लमंद हैं समझदार हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए बहुत मेहनत चाहिए और उसके ऊपर आपका जो है ना बहुत रिस्की भी होता है वो काम, तो इस वजह से शहजाद ने बोला है कि उसको ना शेयर करो क्योंकि हमारी वजह से लोगों का नुकसान ना हो जाए। उसमें कुछ लोगों को तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, बहरहाल उसमें बहुत
ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, सो बेटर है उसको ना डिस्कस किया जाए। तो ये चीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे जिनके जो लोगों ने मुझे कॉमेंट्स किए थे कि हम एजुकेटेड नहीं है या हमारे पास कोई डिग्री नहीं है तो हम कैसे करें काम घर बैठ के, तो आपके लिए भी मैं अगली कुछ वीडियोज में, तो कुकिंग होगी उसके बाद मैं फिर वीडियोज लाऊंगी, या कुकिंग के दौरान मुझे पॉइंट मिला कोई जेन में आया तो मैं जरूर शेयर करती रहूंगी। लेकिन मैं आपसे बहुत जल्दी आपके लिए आइडियाज भी लेके आऊंगी कि जो अगर आप एजुकेटेड होंगे या नहीं होंगे आप कर सकते हैं। बस एक बात जहन में ये रखें कि एजुकेशन आजकल के ज़माने में इतना मैटर नहीं करती जितनी आपकी हिम्मत, हौसला और सब्र और आपका जोश और जज्बा काम आता है, तो एजुकेशन उतनी काम नहीं आती। हाँ, कुछ जगहों पर सिर्फ ज़रूरत है, लेकिन आपके लिए दरवाजे बिल्कुल भी बंद नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का और इंटरनेट का इन जनरल ये दौर है, तो इंटरनेट आपको भी उतना ही फ़ायदा देगा जितना किसी डिग्री वाले को देगा। डिपेंड करता है, अगर डिग्री वाला डिग्री लेके भी सुस्त है और मोटिवेटेड नहीं है या फोकस्ड नहीं है तो वो उतना नहीं कमा पाएगा जितना आप बगैर डिग्री के कमा सकते हैं। सो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए आइडियाज लेके आऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम करते हैं एंड, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। दुआ में याद रखें, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आइडियाज हैं, मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जरूर बात कर लूंगी। बेशक रेसिपीज हों लेकिन मैं आपके क्वेश्चन पे आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया करूंगी, इंशाल्लाह मैं जवाब देती चली जाया करूंगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ सुनने के बाद मेहनत इन पॉइंट्स की तरफ मेहनत करेंगे, और आज करेंगे तो 2 साल बाद आप वहां खड़े होंगे कि आप खुद सोचेंगे कि 2 साल पहले मैंने बहुत अच्छा फैसला किया था और आज देखो मैं कहां हूं। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप अगर सीधे रास्ते पर रहेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जल्दी मीट हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देती हूँ।